गाइस, क्या आपको पता है मारुति सुजुकी सियाज, ह्युंडई वर्ना, डैटसन रेडिगो, वॉल्सवैगन पोलो और ही ऐसी जैसी गाड़ियां जो कि 10 लाख के बजट में आती हैं, उन सब में क्या कॉमन फीचर है जो जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आप नई गाड़ी लेने जा रहे हैं। तो वो चीज है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल को हम इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी प्रोग्राम, व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट, डायनेमिक स्टेबिलिटी असिस्ट, डायनेमिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, इन सब नामों से जानते हैं। तो अगर हो सकता है आपकी गाड़ी में इस चीज का नाम कुछ अलग से लिखा हो, अगर आप कोई गाड़ी कंसिडर कर रहे हैं, हो सकता है किसी में इसका डिफरेंट नेम से लिखा हो, किसी में डिफरेंट नेम से, लेकिन सबका मीनिंग एक ही होता है। तो हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करता है, इसका आर्किटेक्चर क्या है और कैसे आपको बेनिफिशियल है और आपकी गाड़ी में ये फीचर क्यों होना चाहिए, ये आपको कैसे असिस्ट कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम अगर हम इसको बेसिकली देखें तो एक ऑक्सिलरी व्हीकल सिस्टम है जो कि आपको एमरजेंसी सिचुएशंस में काफ़ी ज़्यादा असिस्ट कर सकता है आपकी हैंडलिंग को कार की, और आपको किसी पॉसिबल एक्सीडेंट से बचा सकता है या फिर जो एक्सीडेंट है उसकी इंटेंसिटी को कम कर सकता है काफी हद तक। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम में आपके बेसिकली मोटा माटी तीन सेंसर आते हैं, आपका लेटरल एक्सेलरेशन सेंसर जो आपकी गाड़ी की फॉरवर्ड स्पीड को मेजर करता है, यॉ रेट सेंसर और स्टीयरिंग एंगल सेंसर। तो यॉ रेट सेंसर जो है वो गाड़ी के बीच में लगा होता है और जो गाड़ी का यॉ मूवमेंट को मेजर करता है। यॉ मूवमेंट होती है, ये आपकी गाड़ी है, तो अगर आपकी गाड़ी इस तरह से घूम रही है, ये अगर आपकी गाड़ी कंसिडर करें, तो अगर आपकी गाड़ी ऐसे घूम रही है साइडवेज तो हम उसको बोलेंगे यॉ मूवमेंट। तो बेसिकली इस जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम है, जब आपकी गाड़ी यॉ मूवमेंट में हो तो उसको मेजर करता है। तो जैसे ये मान लीजिए आपकी गाड़ी है, तो ये गाड़ी की एक्स एक्सिस आ गई इधर को, ये वाई और जेड एक्सिस। तो अगर आपकी गाड़ी जेड एक्सिस के अलॉन्ग घूम रही है, तो अगर आपकी ये कार है और ये आपकी जेड एक्सिस है, तो अगर आपकी गाड़ी इसके अराउंड घूम रही है इस तरफ से, तो हम उसको बोलते हैं यॉ रेट या फिर यॉ मूवमेंट। तो उस यॉ मूवमेंट को मेजर करने के लिए हमारी गाड़ी में लगा होता है यॉ रेट सेंसर। तो अब अगर हम कंसिडर करें अंडर स्टीयरिंग की सिचुएशन या फिर ओवर स्टीयरिंग की सिचुएशन, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है अंडर स्टीयरिंग और ओवर स्टीयरिंग कब होता है। तो अब यहाँ पे अंडर स्टीयरिंग में बेसिकली आपकी गाड़ी कम मुड़ती है इंटेंशनली, जितना आपने स्टीयरिंग घुमाया है उससे आपकी गाड़ी कम मुड़ती है और जो कि एक एक्सीडेंट को कॉज कर सकती है। तो जो आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम है वो मेजर करेगा आपका स्टीयरिंग एंगल, जो आपका स्टीयरिंग एंगल सेंसर है वो आपके स्टीयरिंग का एंगल मेजर करेगा कि आपने स्टीयरिंग कितना घुमाया है, और आपकी यॉ रेट सेंसर जो है वो गाड़ी की यॉ मूवमेंट को मेजर करेगा कि जितना आपने स्टीयरिंग घुमाया उतनी गाड़ी घूम रही है साइडवेज या नहीं घूम रही है। अगर नहीं घूम रही है तो वो जो इसका इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल का मॉड्यूल है वो कैलकुलेट करेगा कि गाड़ी में कितना फीडबैक या फिर ब्रेकिंग फोर्स लगनी चाहिए किसी टायर पे, ताकि कंपनसेटिंग मूवमेंट क्रिएट हो गाड़ी में और गाड़ी जो है वो ओरिजिनल पाथ पे आ जाए। तो ये जो रेड पाथ है ये गाड़ी का अंडरस्टीयर्ड पाथ, लेकिन यहाँ पे हमें जाना नहीं है, हमें जो गाड़ी ड्राइव करनी है वो उसका ग्रीन है जो उसका एक्चुअल पाथ होना चाहिए या फिर जो हमारा इंटेंडेड पाथ होना चाहिए, ये हमारा एक्चुअल पाथ है और विदाउट ESC, और ये जो हमारा ग्रीन पाथ है ये है हमारा और ये जो ग्रीन है ये हमारा है इंटेंडेड पाथ या फिर जो पाथ होना चाहिए। तो यहां पे रियर व्हील में, राइट रियर व्हील में ब्रेकिंग लगेगी, सिर्फ जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल है वो सिर्फ राइट व्हील, जो राइट रियर व्हील है उसमें ब्रेक लगाएगा, जिसकी वजह से कॉम्पनसेटिंग मूवमेंट होगा और गाड़ी जो है वो राइट की तरफ को टर्न होगी और जो हमारा इंटेंडेड पाथ है उस पर चली जाएगी। अब ओवर स्टीयरिंग की केस में आपकी गाड़ी जो है वो ज्यादा घूम रही होती है जितना आपने स्टीयरिंग घुमाया होता है, तो वापिस से आपका स्टीयरिंग एंगल सेंसर और योर रेट सेंसर जो है मेजर करेंगे और इनपुट प्रोवाइड करेंगे आपके इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर को, और यहाँ पे आपके फ्रंट व्हील में ब्रेक लगेगी जिसकी वजह से कंपनसेटिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा और जो आपकी गाड़ी है वो लेफ्ट की तरफ मुड़ेगी और नॉर्मल सिचुएशन में चली जाएगी। अब हम इसका थोड़ा आर्किटेक्चर देखते हैं, इनपुट आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे आपका रोड इनपुट आ रहा होगा, ये आपका
जो पाथ डिटेक्शन है वो सिस्टम कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। ये आपका व्हीकल है, ये आपका ड्राइवर है जो आपका स्टीयरिंग सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, और यहाँ पे आपके सेंसर्स हैं, ये आपका कंट्रोल मॉड्यूलेटर है, और यहाँ पे जो व्हीकल के यॉ रेट सेंसर या फिर आपका लेटरल एक्सेलरेशन सेंसर है ये काम करेंगे, और एक्चुएटर जो है वो ब्रेक लगाएगा आपके टायर्स पे। तो इस तरह से आपकी गाड़ी को कंपनसेटिंग मोमेंट प्रोवाइड करके या फिर करेक्शन टॉर्क प्रोवाइड करके गाड़ी को इंटेंडेड पाथ पे लाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम जो है यूज होता है। तो बेसिकली आजकल जो भी गाड़ियां इंडिया में अराउंड 10 लाख के बजट में आती है उन सब में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम लगा होता है। तो अगर आप भी कोई नई गाड़ी देखने जाए इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम जरूरी है उसमें। अब कोई हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं, आपकी गाड़ी आप यहां से रोड से जा रहे हैं लेकिन यहां पे अचानक से कुछ ब्लॉकेज आ गई, अगर आपने गाड़ी एकदम घुमाई यहां से तो बहुत सारे चांसेस है कि वो टकरा जाएगी उसके साथ या फिर यहां पे गोल घूम जाएगी। उसको प्रिवेंट करने के लिए आपकी गाड़ी में होता है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम जो भी कि यहां पे ब्रेक लगाएगा और आपकी गाड़ी को इजीली घुमाएगा। यहां पे क्योंकि आपकी गाड़ी अंडरस्टीयर हो रही है, अब यहां पे आपकी गाड़ी ओवरस्टीयर कंडीशन में चली जाएगी। तो दोनों सिचुएशंस एक ही बार में आ सकती है अगर आप इमरजेंसी ब्रेकिंग लगा रहे हैं हाईवे पे या सामने से कोई गाड़ी आ रही है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम आपकी गाड़ी में होना जरूरी है। और अगर ये वीडियो पसंद आई आपको तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी मैं ऐसी ही कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं तो आप उसको देखें। थैंक यू।